नमस्कार, मैं हूं राकेश सेठी और टी टाइम में आप सबका स्वागत है। चाय के साथ आज कुछ मीठा हो जाए और कभी कभी दिल कहता है कि आज कुछ नमकीन हो जाए। हमने सोचा क्यों ना हम कुछ एडवेंचरस बनाए। आज हम एक क्लासिकल ब्रिटिश रेसिपी बनाते हैं जो थोड़ी सी कॉमिकल भी है। उसका नाम थोड़ा सा कॉमिकल है। जी हाँ, हम बनाएंगे टोड इन द होल। इसको बनाते हैं यॉर्कशायर पुडिंग के साथ। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ सॉसेजेस ले लेते हैं। वैसे तो इसमें छोटी वाली लिंक सॉसेजेस होती हैं, वो डलती हैं, पर हमारे पास कुछ चिकन सॉसेजेस हैं, लंबी वाली, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और साथ ही में हम बनाएंगे यॉर्कशायर पुडिंग। लेकिन उससे पहले आइए हम इन सॉसेजेस को पका लेते हैं प्याज के साथ। एक पैन गर्म करते हैं और उसमें हम लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। और इस बीच में जब तक कि ये तेल गर्म होता है, हम प्याज को काट लेते हैं, एक के चार हिस्से कर लेते हैं इसके। दो प्याज ले लेते हैं। बाहर का इसका स्किन निकाल लेते हैं और इनको खोल लेते हैं इस तरह से। आप चाहें तो प्याज के अलावा और भी इसमें सब्जियां डाल सकते हैं अपनी मनपसंद। इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, पर क्लासिकली इसमें प्याज जाता है। हमने अवन को पहले से ही 180 डिग्री पे गर्म किया हुआ है। हम चाहें तो इस प्रोसेस को अवन में भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसको हम आपके सामने करें, इसलिए हम इसको पैन में बना रहे हैं। पहले हम सॉसेजेस को थोड़ा सा कलर दे देते हैं, यानी कि इसको पैन में ग्रिल कर लेते हैं। ये चिकन सॉसेजेस हैं। आप देख सकते हैं कि सॉसेजेस के ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसमें हम ये प्याज डाल लेते हैं। इसको ज्यादा नहीं पकाना, इसलिए गैस को करते हैं बंद और बनाते हैं एक यॉर्कशायर पुडिंग की बैटर। इसके लिए हम लेंगे मैदा लगभग 2/3 कप और इसमें हम डालेंगे मोटी काली मिर्च कुटी हुई। स्वाद अनुसार मिर्च डालें। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं और आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो आप इसको ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ये मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से डालें। लगभग 1 छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक, अब इसमें हम डालेंगे दूध और बनाएंगे एक बैटर। अब इसमें हम डालेंगे अंडे। इसमें लगभग 6 से 8 अंडे डल जाएंगे, पर ये निर्भर करता है कि अंडों का साइज या वजन कितना है। तो इसमें हम पहले 4 अंडे डाल लेते हैं। लगभग 2 अंडे इसमें और डालेंगे अभी। और इसको एक बारी फिर से हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसको अच्छे से मिलाने के बाद बारी आती है इसको एक केक टिन में डालकर या फिर एक बेकिंग डिश में डालकर, जो कांच की डिश मिलती है उसमें भी डाल सकते हैं इसको। इसको हमने बेक करना है। बेक करने से पहले ही मैंने अवन को 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहले से गर्म कर दिया, यानी कि प्रीहीट करके रखा हुआ है। तो आइए इसको डालते हैं हम एक ग्रीज्ड और लाइंड केक टिन में। इस केक टिन में मैंने नीचे पहले थोड़ा सा ऑयल लगाया और उसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया है ताकि अच्छे से ये डीमोल्ड हो सके। और अब इसके अंदर हम ये सॉसेजेस और ये प्याज का मिक्सचर डालेंगे। और अब बारी आती है इस पुडिंग के मिक्सचर को इसके अंदर डालने की। उससे पहले इसमें हम थोड़ा सा पार्सले डाल लेंगे, बारीक कटा हुआ पार्सले। डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इस पैन में इसको पोर कर देंगे।
केक टिन को एक बार टैप करेंगे और टैप करने के बाद इसको हम अवन में ले जाके बेक करेंगे। आप चाहें तो इस मिक्सर में थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा और शाइनिंग हो जाए, लेकिन हमने क्योंकि इसको सॉटे करते समय ऑयल डाला था, हम ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डाल रहे हैं। और इसको हम बेक करेंगे अवन में 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लगभग इसमें 35 मिनट लग जाएंगे बेक होने के लिए। तो आइए डालते हैं इसको अवन के अंदर। तो लीजिए, हमारी टोड इन द होल पुडिंग तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डीमोल्ड करते हैं और सर्व करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा पहले साइडों से इसको छुड़वा लेते हैं। और इसको हम एक बारी पलटते हैं उल्टा करके और इसको निकाल लेते हैं। अब इसका जो बटर पेपर है उसको भी छुड़वा लेते हैं। और बटर पेपर को निकालने के बाद अब बारी आती है इसको सीधा करने की, और उसके बाद इसको हम काट के सर्व करेंगे। तो इसको सीधा कर ले। तो लीजिए, टोड इन द होल तैयार है। अब इसको हम काट लेते हैं। इस तरह से इसके हम पीसेस निकाल लेते हैं। अब बारी आती है इसको प्लेट में डाल के सर्व करने की। गाड़ी आ गई, लगता है बच्चे भी आ गए हैं, तो फटाफट इसको हम सर्व करते हैं। उनके आने से पहले देते हैं उनको एक बढ़िया सा सरप्राइज। जब तक मैं इनको सर्व करता हूं, आप इसका रिकैप देख लीजिए। टोड इन द होल बनाने के लिए एक गरम पैन में एक बड़ा चम्मच तेल, 6 चिकन सॉसेजेस और 2 बारीक कटे प्याज डालकर प्याज के गुलाबी होने तक सॉटे करें। फिर एक बड़े बोल में 2/3 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, 1 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च, 150 ml दूध, एक एक करके 5 अंडे डालकर एक बैटर तैयार कर लें। अब एक ग्रीस बेकिंग ट्रे में फ्राई किए हुए सॉसेजेस डालकर ऊपर से तैयार बैटर को पोर कर लें और पहले से गर्म ओवन पर 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसे 30 से 40 मिनट के लिए बेक करें। और बेक करने के बाद इसको पीसीज में काट लें और गर्मा गर्म सर्व करें।